हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में एलसी ऑसिलेशंस का मैथमेटिकल पोर्शन कंप्लीट किया था। हमने करंट और चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की थी एट एनी टाइम टी, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी, देखो, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू आई थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती थी, क्यू नॉट इंटू ओमेगा। ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए अगर आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्लियर है। और हमने क्या अंडरस्टैंड किया था, जो भी एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी ओमेगा की वैल्यू, वो किसके बराबर आई थी, 1 डिवाइडेड बाय एल सी अंडर रूट। जो चार्ज की एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी वो किसके बराबर थी, 1 डिवाइडेड बाय एल सी अंडर रूट, क्लियर है। ओके, अब आज देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशंस। मींस ऐसी एलसी ऑसिलेशंस में जो एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखो हमें करना क्या है इसमें, देखो सबसे पहले हमने ये वाला देखो किस तरह से किया था। ये था एक चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, इसमें जो भी एनर्जी थी वो स्टोर थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैक्स मान लो जब आपके पास चार्ज फुली चार्ज था तो उसमें चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट हमने ली थी, है ना। तो इसमें जितनी भी एनर्जी स्टोर थी वो किस फॉर्म में थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसकी वैल्यू कितनी थी, यू ई इक्वल टू 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। यही वैल्यू होती है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये मैक्सिमम वैल्यू थी इसकी पूरी की पूरी, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, ये वाली जो एनर्जी है, ठीक है, ये किसके बराबर आनी चाहिए। हम कब कहेंगे कि एनर्जी कंजर्व्ड है, फिर हम क्या कहेंगे, एट एनी टाइम टी पे क्या हो गया था, जो भी यहाँ पे ये इसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई थी और उसकी वजह से क्या हो गया था, यहाँ से जो कुछ पार्ट है एनर्जी का वो यहाँ पे स्टोर हो गया था इंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। देखो कुछ पोर्शन यहाँ चला गया था और कुछ एनर्जी का पोर्शन यहाँ पे रह गया। अब एट टाइम टी पे हम क्या करेंगे, इन दोनों एनर्जीज को फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, इसकी वैल्यू किसके बराबर अगर आ गई, अगर इन दोनों की वैल्यू ऐड करके किसके बराबर आ गई, इसी एनर्जी के बराबर जो इनिशियल स्टेज में थी, मींस यू इक्वल टू 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। अगर इसके बराबर आ गई तो हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी क्या रही पूरे प्रोसेस में, कंजर्व्ड रही, ठीक है। वही चीज हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन। सबसे पहले हम लेंगे एट एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। मान लो किसी टाइम टी पे जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है वो कितनी है, यू ई इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। हमने क्यू क्यों लिया, बिकॉज क्यू नॉट कौन सा था, जो इनिशियल चार्ज था, तब तो सारी की सारी एनर्जी कहाँ थी, कैपेसिटर में स्टोर थी। पर हम एट टाइम टी की बात कर रहे हैं, जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गई तो कुछ चार्ज क्या हो गया, वहां से डिस्चार्ज हो गया, है ना। तो चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट से क्यू रह गई, और उस टाइम पे जो कैपेसिटर की में एनर्जी है वो कितनी है, यू ई इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। और वो कुछ पार्ट एनर्जी का कहाँ पे स्टोर हो गया, इंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो उसकी वैल्यू देखो, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट एनी इंस्टेंट इज यू बी इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो गई, ठीक है। इफ देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन द टोटल एनर्जी ऑफ द एलसी सर्किट एट एनी इंस्टेंट विल बी। अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी एनर्जी अगर लॉस नहीं हुई है तो क्या होना चाहिए, जो आपके पास टोटल एनर्जी है यू ई प्लस यू बी, ये किसके बराबर आ जानी चाहिए, यू के बराबर, मीन जो इनिशियल वाली एनर्जी थी यू ई इनिशियल टोटल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, उसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो हम कैसे करेंगे, यू ई प्लस यू बी की वैल्यू हम देखो यहाँ पे इनको ऐड करके देखेंगे और देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी प्लस 1/2 एल आई स्क्वायर, ये मैग्नेटिक एनर्जी है एट एनी टाइम टी, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब देखो, अब हमें पता है क्यू की वैल्यू क्या होती है, हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया हुआ है। देखो ये क्यू इक्वल टू किसके बराबर होता है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी। बस ये वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखो किसके बराबर आ जाएगा, यू ई प्लस यू बी 1/2 क्यू स्क्वेयर, मीन्स ये वाली वैल्यू का स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा, क्यू नॉट स्क्वेयर कॉस ऑफ कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, डिवाइडेड बाय सी यहाँ पे, प्लस 1/2 एल आई का स्क्वेयर, आई की वैल्यू क्या आपके पास, आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे।
अब देखो इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ वाली वैल्यू आ गई आपके पास क्यू नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c, और साथ में होगा यहाँ पे कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस 1/2 एल। अब देखो आई नॉट की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर थी, देखो यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू क्यू नॉट इंटू ओमेगा, तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे आई नॉट की यहाँ पे। आई नॉट की वैल्यू क्या कही हमने, क्यू नॉट इंटू ओमेगा, तो आई नॉट स्क्वेयर है तो क्यू नॉट स्क्वेयर आ जाएगा इधर और ओमेगा स्क्वेयर सिंपल, और यहाँ ये वाला वैसा ही रह गया साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, यहाँ पर राइट डाउन कर लो चाहे, बिकॉज जो आपके पास किसकी वैल्यू, जो आपके पास आई नॉट की वैल्यू है वो क्या है क्यू नॉट इंटू ओमेगा, ये वाली वैल्यू पुट करी। अब देखो अगेन हम सॉल्व करेंगे तो क्यू नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी वैसे रहेगा प्लस 1/2 एल वैसे ही है। ओके अब देखो यहाँ पे जो आपके पास क्यू नॉट स्क्वेयर है इसको तो वैसे ही रहने दो, ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू किसके बराबर थी 1/LC, ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 1/LC, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/LC ओमेगा स्क्वेयर की जगह, आगे वैसे ही रह गया साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, यहां भी लिख दो ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू किसके बराबर है 1/LC, वही हमने पुट की यहां पे। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, देखो इस एल से ये वाला एल कैंसल आउट हो गया, एक क्या क्या रह गया आपके पास क्यू नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस यहां पे क्या है क्यू नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c, साथ में क्या आ गया आपके पास साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, क्लियर हो रहा है, विजिबल है ये? ओके अब देखो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं क्यू नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c, दोनों जगह है, अंदर क्या रह जाएगा कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर, है ना, तो यू इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास, या आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो यू ई प्लस यू बी, ये हम सॉल्व कर रहे थे किसके बराबर आ गया देखो क्यू नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c, ये वाली वैल्यू तो 1 होती है, है ना, और देखो क्यू नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c यही कौन सी वैल्यू थी क्यू नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c, जो आपके पास इनिशियल इनिशियल आपके पास एनर्जी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उसके बराबर ही आ गई, है ना, तो यू यू किस ये किसके बराबर आ गया यू के बराबर, यही तो क्या है आपकी इनिशियल एनर्जी थी, तो जो आपके पास यू ई प्लस यू बी किसके बराबर आ गया जो भी आपके पास इनिशियल एनर्जी थी। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एनर्जी कैसे है कंजर्वड है, तो देखो इस तरह से हम यहां लिख सकते हैं ये प्रूव्ड कि एनर्जी क्या है यहां पे कंजर्वड रह रही है, क्लियर है, सिंपल, हमें क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए देखो और करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, वही वैल्यूज हमने यहां पुट की, एट एनी इंस्टेंट हमने मान लिया कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी वैल्यू ये है और मैग्नेटिक एनर्जी की ये है, सिंपल ये वाली कैलकुलेशन की, और वो वैल्यू किसके बराबर आ गई जितनी हमारे पास क्या थी जब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था तो उसमें जो एनर्जी थी वो किस 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 वाले फॉर्म में स्टोर थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, और उसकी वैल्यू किसके बराबर थी क्यू नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c के बराबर, है ना, क्यू नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2c, वही वाली वैल्यू आ गई उनको कैलकुलेट करके, इट मींस एनर्जी क्या रह रही है कंजर्व्ड रह रही है एलसी ऑसिलेशंस में, अगर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ जो इंडक्टर है उसमें क्या है उसकी जो भी कॉयल है उसकी रेजिस्टेंस किसकी है कितनी है 0 है, ठीक है, मतलब कोई लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, हम आइडल कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है जो एनर्जी क्या रह रही है वो क्या रहती है कंजर्व्ड रहती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके